सबको स्वागत है फरक के चैनल में। मैं हूँ मानव। मैं हूँ साइना। तो आज का वीडियो फैसिनेटिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में कोरोना वायरस के लिए कौन पे करेगा उसी के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। आपका कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन फिट होने का है तो आप उसे भूल जाए, क्योंकि वुहान वायरस चल रहा है और जब तक वुहान वायरस खत्म नहीं होता तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। क्या आपका रेजोल्यूशन मनी सेव करने का है? आप यह अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आपको सैलरी नहीं आया है और जब तक सैलरी नहीं आता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वुहान वायरस चल रहा है। क्या आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन ट्रैवल करना है? तो आप वह भी भूल जाइए, क्योंकि अब प्लेन्स, बस, ट्रेन सब बंद है वुहान वायरस के वजह से। वेलकम टू 2021। हम अब तक पैंडेमिक के बीच में हैं। यह वायरस ने हमसे हमारा जॉब्स ले लिया, हमारे लव्ड वंस को हमसे दूर कर लिया। ये जो वुहान वायरस है ये अब तक खत्म नहीं हुआ है। अब दुनिया में न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस आ गया है। इसके कारण दुनिया वापस रिपीट मोड में चल रहा है, जो है लॉकडाउन, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग। हु इज बेयर फॉर दिस? 1945 टू 1962 US गवर्नमेंट ने 200 न्यूक्लियर टेस्ट यह पीरियड में किए थे। वह सारे न्यूक्लियर टेस्ट निवाड़ा, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, वॉशिंगटन। और यह न्यूक्लियर टेस्ट के कारण 4 लाख पीपल मरे हैं और इसके कारण US गवर्नमेंट को $400,000 पर फैमिली को पे करना पड़ा। 1984 द भोपाल गैस ट्रेजेडी। कम से कम 20,000 लोग मरे और 500,000 सर्वाइव, और उनको भी रेस्पिरेटरी आई प्रॉब्लम्स थे और इसके कारण वह कंपनी को $470 मिलियन पे करने पड़े। 1986 चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर। 3,50,000 पीपल को अफेक्ट हुआ था और सोवियत यूनियन को $1.12 बिलियन पे करने पड़े। 1989 एक्सॉन वैल्डेस ऑयल टैंकर स्पिल, और इसके कारण एक्सॉन वैल्डेस को $5 बिलियन पे करने पड़े। 2010 डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल, जो सबसे बड़ा ऑयल स्पिल है हिस्ट्री में, और इसके कारण 11 जन मरे और यह उस कंपनी को $65 बिलियन पे करने पड़े। 2020 बेरूत ब्लास्ट। यह ब्लास्ट में 204 जन मरे, इसके कारण लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को पद छोड़ना पड़ा। 2020 टिल प्रेजेंट वुहान वायरस 2 मिलियन पीपल मर गए और 30 मिलियन पीपल को अफेक्ट हुआ है। लेकिन यह वुहान वायरस के लिए क्यों चाइना पे नहीं कर रही? आज तक हिस्ट्री में जितने भी डिजास्टर्स हुए हैं उसके लिए उस कंपनी को पे करना पड़ा, लेकिन चाइना वुहान वायरस के लिए क्यों पे नहीं कर रही? यह इस जनरेशन का सबसे बड़ा क्राइसिस है। यह वुहान वायरस के कारण 24 मिलियन स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे, 400 मिलियन जॉब पूरे दुनिया में लॉस हुआ है, सिर्फ 89 मिलियन साउथ ईस्ट एशिया में, 45 मिलियन जॉब्स लॉस्ट इन अफ्रीका, 34 मिलियन इन लैटिन अमेरिका। और यह वुहान वायरस के कारण 100,000 बिजनेस क्लोज हुए हैं सिर्फ US में। तो अभी हम इंक्रीज इन इंसॉल्वेंसीज देखते हैं। 57% इन नॉर्थ अमेरिका, 34% ईस्टर्न यूरोप, 32% वेस्टर्न यूरोप, 33% लैटिन अमेरिका, 31% इन एशिया। अभी मैं आपको ग्लिम्स देता हूँ जो अब बैंक्रप्ट गए हैं। पहला गोल्ड्स जिम, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा किचन, ब्लू एयर, आल्डो, फ्लाईवी एयरलाइंस, लेवल यूरोप, एयर मॉरिशियस, ब्रुक्स ब्रदर, मूजी, थाई एयरवेज, लैथम एयरलाइंस, जे सी पेनी, जे क्यू, नॉक एयरलाइंस, एयर डेकन, विर्जिन अटलांटिक, लेप एंड क्वाटिडन ही एकाकलिप्स दिखता है। यह सब के लिए हु बेयर्स द कॉस्ट, ये क्वेश्चन मार्क है।
अभी आप सबके न्यू ईयर रेजोल्यूशन को सेव मनी, ट्रैवल यह सब छोड़ के चाइना को पे करने कीजिए। होल्ड चाइना अकाउंटेबल। तो चलिए देखते हैं चाइना को यह वुहान वायरस के कारण कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। वह है 16 trillion American dollars। यूरोप में 40% एयरप्लेन्स डाउन हुए हैं और फरवरी 2020 में 70% डाउन हो गया था। और एयरप्लेन्स का जो पैसेंजर एविएशन है वह 314 billion American dollars लॉस हुआ है। ग्लोबल ट्रेड 9.2% नीचे हुआ है। जो होटल्स है वह 22% डाउन हुआ है। ऑटोमोबाइल 20% लॉस। अगर आप हमें साउथ वेस्ट एशिया से देख रहे हैं तो आपको पता होगा वेस्ट एशिया में रॉयल इनकम 270 billion American dollars लॉस हुआ है। यह सबका कारण वुहान वायरस है और वुहान वायरस के कारण सबसे ज्यादा इंडिया इफेक्ट हुआ है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ इंडियाज लॉकडाउन ही 26 billion American dollars है। और ऑक्सफोर्ड का यह कहना है कि इंडिया का बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ है। यह सब वुहान वायरस के कारण। हु विल बेयर दिस कॉस्ट, यह भी एक क्वेश्चन है। यह वुहान वायरस के कारण यूके और स्पेन सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। अगर ये वुहान वायरस नहीं आता तो वह दो कंट्री का जीडीपी स्पेन का 12.4% ज्यादा हो जाता और यूके का 10.3% ज्यादा हो जाता, लेकिन वुहान वायरस के कारण यह नहीं हो पाया। तो चलिए यूएस को क्या हुआ देखते हैं। यह वुहान वायरस के कारण यूएसए का जीडीपी 32% नीचे गिर गया। अमेरिकास अनएम्प्लॉयमेंट हिट 14.7%। वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था तब हमारे दुनिया को बहुत ही हमने हार्म कर दिया। इसके कारण यूएस को 20,000 American dollars पे करने पड़े। जापान को 6.67 million American dollars पे करने पड़े। जर्मनी को 38.6 million। इटली को 360 million। फिनलैंड को 300 million। हंगरी को 300 million। रोमानिया को 300 million। बल्गेरिया को 70 million। क्यों हमारे लीडर्स चाइना को पे करवाने के लिए डर रहे हैं। जून 2020 में ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमी 7% श्रैंक हो गया। ऑस्ट्रेलिया इसके कारण पहले बार रिसेशन में एंटर हुआ। 22 इयर्स के बाद इंडोनेशिया रिसेशन में एंटर हुआ। इंडिया फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रिसेशन में एंटर हुआ। इसके तरह ही जर्मनी, यूके, जापान, साउथ कोरिया और यूएसए, यह पांच कंट्री भी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एंटर हुए हैं। सिंगापुर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रिसेशन के अंदर एंटर हुआ है। थाईलैंड फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इतने सारे कंट्रीज रिसेशन में गए हैं तो इस सब का कारण कौन है, यह भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर है चाइना। 16 trillion American dollar लॉस। प्लीज हमारे लीडर्स चाइना को पे करवाइए, और वो भी इम्पोर्टेंटली यह आदमी को, बल्कि स्टॉप पेइंग चाइना। अभी भी यह वुहान वायरस के टाइम भी चाइना को हम पे कर रहे हैं। बहरीन 352 डेथ्स के साथ 92,675 इन्फेक्टेड पीपल के साथ चाइना को पे कर रही है ताकि उन्हें वैक्सीन मिले। इसके तरह बहुत सारे कंट्रीज हैं जो चाइनीज वैक्सीन को खरीद रहे हैं। पहला बहरीन, यूएई, मोरक्को, टर्की, इंडोनेशिया, ब्राजील, यह छह कंट्री अभी भी चाइना से वैक्सीन मांग रहे हैं। शायद यह भूल गए कि वुहान वायरस चाइना से ही आया था। व्हाई इज द वर्ल्ड स्टिल डूइंग बिजनेस विद चाइना। अगर चाइना ने हमें सॉरी बोल दिया तो वो दुनिया को पे क्यों नहीं कर रहा। देखो चाइना क्या कर रहा है। यह चाइना देशों को रिसेशन में भेजा है और अभी भी वो दूसरों से पैसा ले रहा है। इसमें इम्पोर्टेंटली ब्राजील, जो 90 million American dollars दे के चाइना से वैक्सीन मांग रही है। तो चलिए 2021 में हमारा रेजोल्यूशन यही रहेगा कि हम चाइना को पे करवाएंगे हमारे लव्ड वंस को जिसने हमसे दूर किया। तो हम एक ठीक आंसर मांगेंगे।
जिसके कारण हमारे जॉब्स गए, उससे हम सैलरी मांगेंगे। तो आज का वीडियो हमारे यहाँ खत्म होता है, और जरूर कमेंट में कमेंट कीजिए कि क्या आप चाइना को पे करवाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और भूलना मत हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए।